पंजाब हरियाणा से हवाएं चल के आ रही है, जहाँ पर कि आपके पास पराली जलने से धुआं आ रहा है, पोल्यूशन हो रहा है, क्योंकि बहुत लोगों ने ग्रीन रेवोल्यूशन पटाके नहीं जलाए। वेदर चेंज हो रहा है, उसके साथ से पोल्यूशन भी बढ़ रहा है। जो पोल्यूशन होता है उससे वो बहुत क्लॉग हो जाते हैं, लोगों को एलर्जी हो जाती है। जी हाँ, जिए तो जिए कैसे, बहुत स्वागत है आप सभी का आरलाइन टीवी में। मैं हूं जबार खान और वक्त है दिन की सबसे बड़ी बहस का। तो क्या यह मान लिया जाए कि इंसान का जो बुनियादी हक है, सबसे पहला बुनियादी हक सांस लेने का, उसमें सरकारें अपने निकम्मापन और नाकारापन की वजह से अब अड़चने पैदा कर रही हैं? क्योंकि अगर देखा जाए तो 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मौतें सबसे ज्यादा दिल्ली में खासतौर पर प्रदूषित हवा की वजह से, ऑक्सीजन की वजह से हो रही है। यह और बात है कि पंजाब और दिल्ली सरकार पर 50-50 करोड़ के जुर्माने भी लगाए गए, मगर वजह क्या है कि दीपावली का पर्व हो या फिर पराली जलाने की समस्या, इन तमाम चीजों के बीच में सबसे ज्यादा जो इंसान को झेलना पड़ता है वो ये कि हवा इतनी ज्यादा जहरीली हो जाती है कि इंसान सांस लेने में दिक्कत महसूस करता है, और फिर इस वजह से जो सबसे ज्यादा मुश्किलें पैदा होती हैं बीमारी की शक्ल में, वो आंकड़ा WHO की रिपोर्ट पेश कर चुकी है और कई ऐसे आंकड़े हमारे और आपके सामने हैं। ये समस्या हर साल आती है, पराली जलाने की समस्या हर साल उत्पन्न होती है, दिवाली में पटाखे हर साल फोड़े जाते हैं, मगर वजह क्या है कि इन तमाम चीजों पर अंकुश हम नहीं लगा पाते, या हवा को जहरीली होने से बचाने के लिए क्या हमारी सरकारें इतनी ज्यादा नाकारा और निकम्मेपन का शिकार हैं कि इंसान को साफ और सुथरे ऑक्सीजन तक मुहैया नहीं करा पाती। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ में कई सारे खास मेहमान भी जुड़ेंगे, भारतीय जनता पार्टी के नेता होंगे, डॉक्टर भी होंगे, जो बताएंगे कि इसमें इस जहरीली हवा की वजह से सेहत पर कितना बुरा प्रभाव पड़ता है। साथ ही साथ में हमारे साथ में कई दूसरे खास मेहमान होंगे जो इसकी वजह भी बताएंगे और इस समस्या का समाधान भी बताएंगे, मगर उससे पहले आइए निगाह डालते हैं इस रिपोर्ट पर कि मौजूदा वक्त में दिल्ली NCR में किस तरीके से हवा जहरीली हो चुकी है। दिवाली पर पटाखे चले वो कम होने चाहिए, तो इसकी वजह से ज्यादा बड़े बूढ़ों को बहुत दिक्कत आती है। पोल्यूशन हो रहा है, क्योंकि बहुत लोगों ने ग्रीन रेवोल्यूशन पटाखे नहीं जलाए। वेदर चेंज हो रहा है, उसके साथ साथ पोल्यूशन भी बढ़ रहा है। जो पोल्यूशन होता है उससे वो बहुत क्लॉग हो जाते हैं, लोगों को एलर्जी हो जाती है। दिल्ली NCR में क्या कोई बताएगा कि जिए तो जिए कैसे? स्कूल जाने वाले बच्चे हो या ऑफिस जाने वाले लोग, हर कोई सालों से जहरीली सांस लेने को मजबूर है। बुजुर्गों के लिए तो मानो नरक में जिंदगी काटने के बराबर है। दिल्ली NCR में हवा में जहर घुल चुका है। दम घोटने वाले गैस चैम्बर में बदली दिल्ली अब सांसों पर भी रोक लगाने लगी है। आदेश दर आदेश दिए गए, बैठकों के बाद बैठकें हुई, लेकिन प्रदूषण का कहर हर रोज पहले से ज्यादा होता नजर आ रहा है और बढ़ते प्रदूषण के आगे आम आदमी मजबूर नजर आ रहा है। पोल्यूशन रोकने के लिए सबसे पहले हमको जो है, जैसे अभी गवर्नमेंट ने बोला है, कई जगह पे टॉवर्स लग गए हैं जिससे कि पोल्यूशन को स्टॉप किया जा सकता है। ऐसी टॉवर NCR और दिल्ली के आसपास लगाना चाहिए जिससे कि पोल्यूशन जो है कम हो। अब जैसे दिवाली पे पटाखों, सबसे पहले पटाखों बेचने वालों से, खरीदने वालों से ज़्यादा सबसे पहले पटाखों की इंडस्ट्री पे इनको लगाम लगाना चाहिए। पॉल्यूशन का स्तर जब से दिवाली आई है और जब से पटाखे छूटे हैं, तो पटाखों की वजह से इतना बड़ा हुआ है कि ना तो धूप निकल रही है, 3 दिन से धूप निकलने का कारण भी यही दिवाली के पटाखे हैं। प्रदूषण रोकने के लिए अभियान चलाने, जागरूक करने के नाम पर हजारों बैठकें होती हैं, करोड़ों का खर्च भी किया जाता है, लेकिन नतीजा वही, ढाक के 3 पार। सेमिनार में सरकारें नियम कानून तो बनाती हैं, सख्ती बरतने की बात भी कही जाती है, करोड़ों का खर्च, लेकिन इस सब के बावजूद नतीजा 0 रहा। पराली भी जलाई गई और पटाखे भी फोड़े गए, जिसके बाद दिल्ली दम घोटने लगी। इस पोल्यूशन का कारण है, क्योंकि इस स्कूल बहुत पोल्यूशन हो रहा है, क्योंकि बहुत लोगों ने ग्रीन रेवोल्यूशन पटाखे नहीं जलाए और गंदे हमारे दिल्ली में लोग हैं, वो ये गवर्नमेंट की जो लॉ है वो इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। जैसे कि उन्होंने कहा है कि आपको सिर्फ
ग्रीन क्रैकर्स जलाने हैं, उन्होंने मना करा है। उन्होंने स्टोर्स में भी हर आप देखोगे दुकानों में भी उन्होंने मोस्टली सारे पटाखों की बचत कम कर दी। हर साल जब दम घुटता है तो कहा जाता है कि अब बहुत हुआ, अगले साल से ऐसा नहीं होने देंगे, लेकिन बदकिस्मती देखिए प्रदूषण का स्तर साल दर साल कम होने के बजाय नए रिकॉर्ड कायम कर रहा है। साइंटिस्ट अंदाजा लगा रहे हैं कि कब तक दम घोटने वाली हवा से निजात मिलेगी और डॉक्टर अपनी जान बचाने की सलाह दे रहे हैं। कण होते हैं दूषित प्रदूषित हवा के, वो हमारे रिस्पिरेबल जोन में तैरते रहते हैं, तो इसलिए एक आसमान में धुंध सी छाई रहती है और उसकी वजह से सांस लेने में बेसिकली जो होती है ज़्यादातर बीमारियां जो होती हैं सांस लेने में दिक्कत होती है और कुछ स्किन की एलर्जीज होती हैं और बालों को दिक्कत होती है। पराली जलाने का असर भी ऑब्वियसली है कि पूरी जो भी इसके सूट पार्टिकल है वो पूरे एटमॉस्फेयर में है। अभी दो और तीन में कुछ क्लाउड फॉर्मेशन की तो संभावना है और हो सकता है कि कुछ हिस्सों में वेस्टर्न पार्ट में हो सकता है कुछ हल्का बारिश भी आए, लेकिन बहुत परमानेंट रिलीफ नहीं है। उस परमानेंट रिलीफ की संभावना बाई द एंड ऑफ फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में है संभावना, 5-6-7 के आसपास संभावना है, तब लग रहा है कि पश्चिम विक्षोभ पे गाने की संभावना। अफसर अपने उच्चतम गुणवत्ता वाले ऑक्सीजन युक्त शानदार कमरों में बैठकर प्रदूषण कम करने को लेकर चर्चा करते हैं। उधर ननकू और रज्जाक है जो समझ नहीं पाते कि सांस के लिए इस दम घोटू हवा को ले या सरकारी बैठकों और अदालत के आदेशों को। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 टीवी। तो हालात ये हैं कि सांस लेने में लोगों को दिक्कतें पैदा हो रही हैं, खासतौर पर बुजुर्गों, अस्थमा दमा के मरीजों के लिए और बच्चों के लिए सबसे ज्यादा मुश्किलें हैं। मगर आज हम जो चर्चा कर रहे हैं उसमें R9 टीवी क्या सवाल उठा रहा, आइए एक निगाह उस पर डाल लेते हैं। क्योंकि प्रदूषण रोकने की कोशिश क्यों हो रही है फेल, ये सवाल है। दूसरा ये कि कोशिशें महज मजाक है, कौन है जहरीले इन हवाओं के लिए जिम्मेदार, प्रदूषण के लिए सिर्फ मौसम को ही क्यों कोसा जाता है, सरकारें अपनी जिम्मेदारी या आम लोग अपनी जिम्मेदारियां क्यों नहीं निभाते। सीधे रुख चर्चा की तरफ करते हैं, हमारे साथ में कई खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं, उनका तारुफ आपसे कराते हैं। हमारे साथ में भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत जी हैं और जिन्हें जो कि अक्सर टीवी डिबेट में जिन्हें आप देखते होंगे किसानों की समस्याओं को लेकर के आते रहते हैं, स्वागत है सर आपका। साथ में हमारे साथ में है डॉक्टर नितिन अरोड़ा जी, पर्यावरणविद हैं, जो बताएंगे कि किस तरीके से आबोहवा जहरीली हुई, इसके पीछे की वजह क्या है और इससे निजात पाने का तरीका क्या है। और नीरू शर्मा जी उद्यमी है, कोषाध्यक्ष है नोएडा एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन के, जो ये बताएंगे कि आखिर इन प्लांट्स के जरिए जो हवा निकलती है, जो धुआं निकलता है, जो गैस निकलती है, उनमें किस किस्म से सुधार या कैसे नए कानून होने चाहिए, उस पर अंकुश कैसे लगना चाहिए। आप सभी लोगों का शुक्रिया के साथ में स्वागत है। शुरुआत मैं आपसे ही करना चाहता हूं राकेश टिकैत जी, सब कुछ सारी जिम्मेदारी किसानों पर डाल दी जा रही है कि साहब हरियाणा में पंजाब के अंदर पराली जलाई जाती है, किसान पराली जलाए जाते हैं, हमने तो वहां पर प्रतिबंध लगा दिया है, बावजूद इसके पराली जलती है और उस वजह से आज जहर हवा में है। नहीं, पराली जलेगी आएगा दिल्ली में, ये कौन सा रूट है, ये रूट मैप जो प्लान है ये कौन सा है। देखो जब ठंड होती है तो जो पोल्यूशन है वो नीचे बैठता है, उसका मेन कारण ये है। क्या दिल्ली में कैंकनाक गाड़ियां चलती है यहाँ पर करोड़ों, उसका पोल्यूशन नहीं होता। वो भी एक बड़ी वजह है, पोल्यूशन गाड़ियों की वजह से, उसका भी पुराली का भी ये नहीं कि पुराली का नहीं है, लेकिन पुराली का भी है, समस्या इसमें माना जा रहा है, पुराली का भी है, लेकिन सबसे बड़ा जो पोल्यूशन है वो इंडस्ट्रीज का है। हमारे जो ऑफिसर्स है वो काम नहीं करते। मैंने पिछले साल मुजफ्फरनगर के अधिकारियों को जब पूरा वहां पे हालात खराब होगी उनको लेकर डीसी की मीटिंग से लेकर गया, उनका एक किस्म से अपहरण करा हमने और उनको जिस खेत में सबसे ज्यादा फैक्ट्रियों का पोल्यूशन था, टायर जलाने की फैक्ट्री वहां पे पूरे इंडस्ट्रीज है मुजफ्फरनगर में, उसको खेत में घुसाया, मैं खुद भी घुसा और फिर प्रेस के सामने लेकर आया। कोई भी अधिकारी अपना काम नहीं कर रहा, सिर्फ पैसे देता है और
एज ए ड्रिंकिंग वाटर, अगर हम वाटर की वो ले लें तो उनकी एक रिपोर्ट लाती है कि पीने योग्य है, पी तो नहीं सकते पीने योग्य। मगर मैं आपको एक जानकारी दूं कि 2400 घटनाएं ज्यादा हुई है पराली जलाने में 27 अक्टूबर तक का ये एक रिकॉर्ड है, और दिल्ली में सबसे ज्यादा इसी वजह से हवा प्रदूषित हुई है। मतलब मैं फिर कह रहा हूं कि पराली पंजाब में जलती है तो हवा पंजाब का ठीक है, हवा ऐसा नहीं चलती, फिर आप समझ लो। लेकिन हरियाणा में भी तो जलती है, हरियाणा में जलने की वजह से दिल्ली में तो आती होगी। भी हवा पहाड़ से और दक्षिण की तरफ हवाएं चलती नहीं, आप उसका मैप निकाल लो कि हवाएं उत्तर से दक्षिण की तरफ चली क्या, हवा पूर्व से पश्चिम चलेगी, पश्चिम से पूर्व की तरफ चलेगी या दक्षिण से ऐसे चलेगी, हवा वहां से चलती नहीं, आप उसका मैप निकाल। फिर ये जो आंकड़े आ रहे हैं क्या वो, ये आंकड़े ये हैं कि इंडस्ट्रीज यहाँ के दिल्ली के जितने भी गाड़ी चलाते हैं पूरी दिल्ली सरकार अपने आप को। ठीक है, मैं एक एक कॉमेंट ले लूं सबसे, चर्चा को ओपन करूंगा। नीरू शर्मा जी हमारे साथ, ठीक है नीरू शर्मा जी, राकेश टिकैत जी ने किसानों को एक तरीके से क्लीन चिट दे दी कि साहब पराली की वजह से ये चीजें, ये समस्या ज्यादा नहीं हो रही, ठीक है। मगर नीरू शर्मा जी, आप कोषाध्यक्ष है नोएडा एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन के, इंडस्ट्रीज की वजह से, फैक्ट्रियों की वजह से या इस पोल्यूशन की वजह से, धुएं की वजह से ये चीजें ज्यादा हो रही है, इनका जैसा क्या आरोप? मेरा सबको नमस्कार, मैं नीरू शर्मा, मैं खुद एक एंटरप्रेन्योर हूँ और नॉर्ड एंटरप्रेन्योर एसोसिएशन की कोषाध्यक्ष भी हूँ। जैसा कि टिकैत साहब कह रहे हैं कि इंडस्ट्री की वजह से पोल्यूशन है, ऐसा फिर एक दो महीने में क्यों इंडस्ट्री की वजह से पोल्यूशन होता है? पूरा साल इंडस्ट्री क्यों नहीं पोल्यूशन देती? इन्हीं एक दो महीनों में इंडस्ट्री पोल्यूशन तो हर साल रहता है, हमेशा रहता है, साल के 12 महीने पोल्यूशन रहता है, मगर इस मौसम के अंदर थोड़ा वो बढ़ जाता है। क्यों आता है? इंडस्ट्री तो आपकी वही है, इंडस्ट्री ने तो वही इंडस्ट्री, क्योंकि जो एनसीआर की हम इंडस्ट्री लगाते हैं, हम सारे नॉर्म्स पूरे करके पोल्यूशन से सर्टिफिकेट लेके हम इंडस्ट्री लगा रहे हैं। नॉर्म्स मैडम कागजों में पूरे होते नहीं हैं। सर आज की तारीख में, नहीं सर आज की तारीख में अगर आप ऐसे कागजों में नॉर्म्स पूरे करें, आज की तारीख में कोई भी एनओसी डिपार्टमेंट नहीं देता नोएडा तो आप जाओ बताओ कहीं नहीं सर, आप अपने ही उस पे वो लगा रहे हैं, अपने ही उसमें हम कर रहे हैं कि हम एक दूसरे पे लांछन लगाएंगे। इंडस्ट्री जो है, इंडस्ट्री हमने लगाई, हमने करोड़ों रुपए दे के मशीनें लगाई, हमने रोजगार दिया लोगों को, हमारे लिए जेनसेट बंद करवा दिए गए, बताइए हमें 24 hours into 7 लाइफ। सारी बातें अपनी जगह सही है, इंडस्ट्री लगेगी, रोजगार बढ़ेगा, लोगों को आसानी होगी, मगर उसका तो दूसरा पहलू है, जो दूसरा पक्ष है सर, पक्ष तभी होगा जब हमें भी प्रॉपर, हमें भी सुना जाएगा। सिर्फ एक इंडस्ट्री ही ना मात्र उसको कहना कि उसने पोल्यूशन किया है, ये कोई आंसर नहीं है। इंडस्ट्री अकेली नहीं है, जैसा कि सर ने बोला कि कार भी है, सब कुछ है, डीजल है। सवाल किसी अकेले का नहीं हो रहा है, सवाल ये हो रहा है कि अलग अलग चीजें मिलकर के हवा को इतनी जहरीली बना दे रही है कि 2016 के WHO की रिपोर्ट है कि कई लाख बच्चे सिर्फ उस वजह से मर गए। अब ऐसे में डॉक्टर नितिन अरोड़ा जी, आप चूंकि पर्यावरणविद हैं, इन तमाम चीजों पर आपकी गहरी निगाह रही है, जाहिर तौर पर सभी चीजों का बड़ा योगदान इसमें रहा हवा को जहरीली बनाने के लिए, आपके निगाह में इस वक्त सबसे ज्यादा, सबसे खतरनाक लेवल पर क्या वो कारण है जिनकी वजह से खासतौर पर अक्टूबर नवंबर के महीने में ये स्थिति आती है? देखिए, ये सारे डिबेट में स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ पॉइंट्स आपके पास रख देता हूँ, इसके परिप्रेक्ष्य में हम बात करेंगे। जब बात हो रही है कि इस महीने में या इस ड्यूरेशन के अंदर पोल्यूशन ज़्यादा होता है या पूरे साल ज़्यादा होता है, वैसे तो मैं आपको एक आंकड़ा बता देता हूँ कि हमारा इंडिया के अंदर एवरेज पोल्यूशन का जो क्वालिटी इंडेक्स है वो 300 है, और जो WHO के हिसाब से सेफर लेवल है दैट इज़ 40। तो ये तुम्हारा ईयरली आंकड़ा है। अगर हम बात करते हैं इस पर्टिकुलर एक से डेढ़ महीने की या दो महीने की, अभी WHO ने जो 300 भी माना जाए एयर क्वालिटी इंडेक्स को, तो इस वक्त 2.5 का स्तर 500 से ज्यादा है, 500 से ज्यादा है, और अभी स्तर 400 तक पहुंच चुका है। बिल्कुल, अगर दिवाली वाले दिन का मैं आपको आंकड़ा दे देता हूं, PM2.5 999 पहुंच गया, राइट। तो वो भी अगर मशीन में उससे ज्यादा नापने का पैमाना होता तो और भी दिखाता, चला जाता, और ये उतना ही, और ये उस एरिया का हाल है जो कि US एम्बेसी के आसपास का एरिया है। मैं अभी NCR की बात नहीं कर रहा हूँ जहाँ पे कि ध्यान ही नहीं दिया जाता है, या बाकी एरियाज में, क्योंकि US एम्बेसी एक बहुत सिक्योर एरिया माना जाता है, ये उसके आसपास के एरिया की रीडिंग है 999 की, राइट। अब जब बात होती है कि उसके रीजंस क्या हैं, वो कौन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है,
ये एक परफेक्ट एग्जांपल है अभी आपने जो डिबेट में देखा, जहाँ पे कि किसान भाइयों का हम बहुत सम्मान करते हैं, वो कह रहे हैं कि इंडस्ट्री कर रही है, इंडस्ट्री वाले कह रहे हैं कि नहीं हम नहीं कर रहे, कोई और कर रहा है। मैं एक सिटीज़न हूँ, हो सकता मैं ये कहूँगा कि नहीं मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूँ, बाकी लोग कर रहे हैं। तो ये जो ब्लेम गेमिंग स्टार्ट हो जाती है हर एक मुद्दे पे, वो पोल्यूशन का हो या किसी भी चीज़ का हो, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है और यही हमें नतीजे तक नहीं पहुँचने देती है, क्योंकि हम अपने आप को नहीं सुधारना चाहते हैं, राइट। अब इसमें किसानों ने बोला कि भाई वहाँ पर पराली से कुछ नहीं हो रहा, इंडस्ट्री वाले बोल रहे हैं कि यहाँ से कुछ नहीं हो रहा है, बट ये सारे रीजंस होते हैं। इंडस्ट्री भी एक रीज़न है पोल्यूशन का, पराली भी एक रीज़न है पोल्यूशन का, हमारा जो हम कार ड्राइव करते हैं वो भी एक रीज़न है, पटाखे भी रीज़न थे जो अभी वो टेम्परेरी रीज़न मान सकते हो आप उनको, ट्रैफिकिंग भी सारी एक रीज़न है जो चलती है वहाँ पे, और पॉपुलेशन भी रीज़न है। बहुत सारे रीज़न्स को कंबाइन करके ये सारा आंकड़ा जो 999 पे पहुँचा है वो पहुँचता है पूरे साल ये पोल्यूशन। मगर ये क्या बहुत ज़्यादा चिंताजनक नहीं है? 50 का लेवल एयर क्वालिटी इंडेक्स का जो सही माना जाता है, अच्छा बेहतर माना जाता है, अगर वो 100 तक भी पहुँच जाए, 200 तक भी चली ठीक है, अगर 1000 तक वो पहुंच जाता है तो ये तो बहुत ही खतरनाक स्तर पर है। और जिस किस्म की चिंताएं सरकार को करनी चाहिए, क्या आपको दिखती है कि वैसी चिंता जमीनी स्तर पर दिख रही है? देखिए, चिंता जितनी सरकारों को है उसका एक एग्जांपल, बहुत छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं, क्योंकि हमारी सरकारें बहुत वेस्ट की तरफ देखती हैं, बाहर की सरकारें क्या कर रही हैं, बाहर हम कैसे, हमारे प्रधानमंत्री भी बाहर बहुत विजिट करते हैं, वहाँ पर देखते होंगे। लंदन के अंदर अभी 2 महीने पहले PM2.5 का लेवल 40 पहुँचा था। उन्होंने एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है अपने सांसदों की और उसमें डिस्कस किया कि इसको हम नीचे कैसे लेके आएँ, क्योंकि 40 पहुंच गया है, यहाँ पे 999 पहुंच गया है। मेरे को आप एक इंसिडेंट बता दीजिए कि किस गवर्नमेंट ने ये स्टेप उठाया है कि हम एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाएं, किस गवर्नमेंट ने ये कहा कि हम अपने प्रशासन को या अपने सारे कर्मचारियों को बुलाते हैं और उनको कुछ एक नोटिफिकेशन जारी करते हैं किसी चीज़ के लिए? ऐसा कुछ नहीं हुआ कि कोई भी सरकार। और चूंकि हमारे साथ में है नीरू शर्मा जी, उनसे समझ भी लेते हैं। नीरू शर्मा जी, क्या सरकार की तरफ से या उनके प्रतिनिधियों की तरफ से किसी किस्म का कोई कॉन्टैक्ट किया गया कि ये चीज़ें हो रही हैं, खतरनाक लेवल तक इसका स्तर बढ़ रहा है, बैठिए बातचीत करते हैं, कोई तरीका ढूंढते हैं, कुछ अंकुश लगाने का रास्ता ढूंढते हैं? इस बीच में पिछले 2 हफ्तों में कोई कांटेक्ट हुआ सरकार की तरफ से? जी सर, बिल्कुल हुआ। नोएडा अथॉरिटी की तरफ से जो हमारी नई सीईओ मैडम आई हैं, उन्होंने हमें 3 आर्स का जो एक फॉर्मूला दिया, जिसमें कि उन्होंने बोला कि हमें जो भी प्लास्टिक से मुक्ति करनी है, जो कि पोल्यूशन का बहुत बड़ा एक मेन कारण भी है। सेकेंड, उन्होंने बोला कि जो हमारा गार्बेज है उसको किसी भी तरह हमने जलाना नहीं है, किसी भी तरह उसको हमने थ्रो आउट नहीं करना है, उसकी हमने खाद बनानी है, ताकि वो जो गार्बेज हम लोग पहले ऐसे ही सड़कों पे फेंकता था या उसका ढेर बनता था, उससे भी एक पोल्यूशन आ रहा था। थर्ड, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट था, हमारी जेनसेट, जिनसे हम लोग अपना, जब हमें लाइट नहीं मिलती थी, हम लोगों को जेनसेट की एक परमिशन थी कि हम उसको चला के अपनी इंडस्ट्री को रन कर सके। आज की तारीख में 15 तारीख से वो जेनसेट भी हमारे बंद करा दिए गए हैं, उसके ऊपर फाइन है एक पर्टिकुलर, उन्होंने बोला है कि आपको जेनसेट नहीं चलाने, और पूरी इंडस्ट्री ने एका किया हुआ है कि हम जेनसेट नहीं चलाएंगे और हम अथॉरिटी के साथ हैं, हम देश के साथ हैं, हम पोल्यूशन को कम करने के लिए। मैं इसलिए भी इसे समझना चाह रहा हूं, क्योंकि आप उसके कोषाध्यक्ष हैं। जी सर। क्या जो नियम जो रूल हैं उनको इंडस्ट्रीज फॉलो कर रही हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल कर रही हैं, इंडस्ट्री फॉलो कर रही हैं, लेकिन आज ऐसा नहीं कह सकते कि 100%। आज आपने हमें 15 तारीख को एक ऑर्डर दिया है कि आप जेनसेट नहीं चलाओगे, तो आज से हमने 15 तारीख से ही हमारे जेनसेट बंद हो गए हैं। कोई एक चीज को बिगड़ने में बहुत टाइम लगा है, जो पोल्यूशन का है मुद्दा है 1974 से है, 45 इयर्स के बाद आज हमें इतनी याद आ रही है कि आज पोल्यूशन बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो हम धीरे धीरे इसके ऊपर आ रहे हैं। मगर ये जेनसेट इस पर प्रतिबंध लगने का या बंद होने का पहले भी सरकारें या उसके तरफ से प्रशासनिक स्तर पर ये जो हुआ है उसमें हम अपनी गवर्नमेंट के साथ, अपने पूरी अथॉरिटी के साथ दे रहे हैं, पूरी इंडस्ट्री उनके साथ, ठीक है। इसकी रोकथाम के लिए डॉक्टर नितिन अरोड़ा जी, एक बड़ा कदम जो माना गया, जो दिल्ली सरकार की तरफ से बताया गया कि हमें एक ऑप्शन के तौर पर ऑड इवन का फॉर्मूला लागू करते हैं, विदेशों में भी ये होता है, क्या ये ऑड इवन का फॉर्मूला इसमें कुछ कारगर साबित होता है? और अगर कारगर साबित होता है तो फिर उस वक्त NGT ने इसकी मुखालफत क्यों की थी? देखिए, होता यह है कि जनरली ह्यूमन टेंडेंसी है कि जब प्रॉब्लम आ जाती है तो हम उसका सोल्यूशन ढूंढने में लगते हैं, हम रिएक्शनरी सॉल्यूशंस ढूंढते हैं, हम प्रिकॉशनरी सॉल्यूशंस नहीं ढूंढते हैं। तो ये भी एक रिएक्शन की तरह है और एक बहुत टेम्परेरी और एक फॉर्मेलिटी टाइप रिएक्शन है कि चलिए हम ऑड इवन कर देते हैं 15 दिन के लिए।
उस 15 दिन में थोड़ा बहुत फर्क आएगा जरूर, क्योंकि ट्रैफिक कम होगा, डीजल पेट्रोल थोड़ा कम होगा, सड़कों पे थोड़ा सा कम ट्रैफिक होगा तो थोड़ा सा पोल्यूशन कम हो जाएगा। बट प्रॉब्लम यहाँ पे है कि इन 15 दिनों का ही जो पोल्यूशन है वो खत्म हो जाएगा, उसके बाद कुछ नहीं होगा, सब कुछ हवा साफ हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। जब आप इंडस्ट्री की बात, मैं मैम का जवाब भी देना चाहूंगा, मैडम ने और उसी पर मेरा एक सवाल भी है कि क्या जो बातें कह रही हैं जो इंडस्ट्री सेक्टर है वो क्या पूरे तौर पर नियमों का पालन कर रहा है? बहुत सारी इंडस्ट्रीज को देखते हैं हम कि वहां पर जो नियम है, जो मानक है, उनका पालन नहीं हो पाता है, नहीं हो रहा है। देखिए, एक सेंट्रल गवर्नमेंट की एक एजेंसी एक स्कीम लेके आई थी एनसेप करके, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। उस प्रोग्राम में, वो प्रोग्राम आई थिंक 2015 के आसपास आया था। अब उस प्रोग्राम के अंदर ये इंडस्ट्रीज़ को ये सारी गाइडलाइंस प्रोवाइड करी गई थी कि आपको अपनी इंडस्ट्रीज़ में जो भी पोल्यूशन हो रहा है उसको उसको साफ़ करने के लिए, उसको प्रिकॉशंस के लिए, जिससे कि ना हो, उसके लिए आपको क्या क्या स्टेप्स उठाने हैं। दो साल तक इंडस्ट्री भी उस पूरे सजेशंस के ऊपर, पूरी गाइडलाइंस के ऊपर बैठी रही। दो साल तक गवर्नमेंट ने भी एक फॉर्मेलिटी के तौर पे पेपर्स भेज दिए और उनकी गाइडलाइंस भेज दी, उन्होंने कुछ पूछा नहीं। दो साल के बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने उनसे पूछा कि इन गाइडलाइंस का क्या हुआ, तो सरकार ने इंडस्ट्री से बात करके या जिससे भी बात करके उसकी गाइडलाइंस को 5 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया और एक फ्री विंडो दे दी इंडस्ट्री को कि आप पोल्यूशन फैलाते रहिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप हमें फंड करते रहिए इलेक्शन के लिए। बस की बात है, बिल्कुल बिल्कुल। नीरू शर्मा जी, मतलब कैसे फिर सरकार के मंशा और सरकार के जरिए जो कामकाज किया जा रहा है, जो इसकी रोकथाम के लिए जो उठ रहे कदम, कैसे उस पर भरोसा किया जाए फिर, जब ये स्थिति जो डॉक्टर नितिन अरोड़ा बता रहे? मैं सर ये कहना चाहूंगी, जो डॉक्टर साहब ने बताया कि सरकार ने ये पॉलिसी को उन्होंने ओपन कर दिया कि हाँ आप पोल्यूशन फैलाते रहिए और काम करते रहिए और उनको फंड्स आते रहेंगे। सर ऐसा क्या होता है कि बोलने में और कटाक्ष उन्होंने किया है, दुख के साथ उन्होंने अपने भाव को प्रकट किया है कि साहब नहीं हो रहा चीजें, जी जी नहीं आ पा रही है जमीन स्तर पर। सर तब नहीं हो रहा होगा, लेकिन आज की तारीख में पिछले साल से लेके मैं अभी की आपको बता देती हूँ डाटा कि प्रॉपर हो रहा है। हमारी इंडस्ट्री के अंदर टोटल नियम लागू हो रहे हैं। नई इंडस्ट्री को तो तब तक कोई भी सर्टिफिकेट कोई भी डिपार्टमेंट नहीं दे रहा जब तक वो पोल्यूशन से वो नहीं ले लेते, अपना एनओसी नहीं ले लेते, उसके पूरे मानक को पूरा करने के लिए जब तक वो अपना पूरे पेपर्स कंप्लीट नहीं करते, उसको फंक्शनल सर्टिफिकेट नोएडा अथॉरिटी नहीं इशू कर रही है। आज की तारीख में देखिए, कोई नियम लागू हुआ है, इंडस्ट्री के पास आया है, वो कितने दरवाजों से निकल के आया है ये आपको भी पता है, हमें भी पता है। वो सारी चीजें आपकी ठीक है और हमें पता है कि एनओसीज लिए भी कैसे जाते हैं। अगर सारे एनओसीज की जांच कर ली जाए तो 40% ऐसे एनओसीज मिलेंगे, शायद उससे ज्यादा संख्या हो सकती है। आप इस बात को नकार सकती हैं क्या? सब कुछ जो गाइडलाइन पेपर पर है वो उसका एग्जीक्यूशन जमीनी स्तर पर दिखता है हूबहू? सर नहीं, मैं ये नहीं कहूंगी कि उसका हूबहू जो गवर्नमेंट चाहती है वो इंडस्ट्रियलिस्ट करेगा, क्योंकि वो कर भी नहीं पाता है, क्योंकि उसकी भी बहुत सारे कारण होते हैं, क्योंकि वो पूरे मानक जब तक पूरे नहीं करेगी, उसके लिए इंडस्ट्री के लिए जो पैसा लगाया है वो नहीं चलेगी, उसका भी नुकसान है। कुछ मानकों पे हो सकता है इंडस्ट्रियलिस्ट अपना कम दिखाई कर रहा हो, कम दे रहा हो, लेकिन आज की तारीख में मैं आपको एक बहुत अच्छा ये बता रही हूँ कि हमारी इंडस्ट्री बहुत अच्छे से सारे मानक पूरे करने को तैयार है और कर रही है। फिर आपके निगाह में सबसे ज्यादा इसके लिए जिम्मेदार पराली है जो कि जलाई जाती है? नहीं सर, मैं नहीं कहूंगी पराली है या इंडस्ट्री है, हम दो लोग अपने ऊपर क्यों ब्लेम ले? इंडस्ट्री अपना सब कुछ खो के एक इंडस्ट्री लगा रहा है, पराली किसान अपनी रोज मेहनत कर रहा है, जाहिर तौर पर इसीलिए जिम्मेदारी बनती किसकी है? जिम्मेदारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है सरकारों को, सबसे पहले जो एक जनसंख्या है उसके ऊपर भी एक कंट्रोल होना चाहिए। हमारी जनसंख्या डे बाई डे बढ़ती जा रही है, उसके ऊपर भी एक कंट्रोल अभी अभी जो इशू है जिस चीज को लेकर हम चर्चा करें, राकेश टिकैत जी, अब बहुत बार सरकारों ने किसानों के लिए आश्वासन दिए, ये जो पराली की समस्या जरा से इसको बताइए, इसको जलाना क्यों पड़ता है? क्या इसका दूसरा ऑप्शन या कोई तरीका है नहीं? जहां तक मुझे जानकारी मिली है कि अब तो ऐसे इस किस्म के जो जोतने वाले ट्रैक्टर्स में जो कल्टीवेटर्स लगते हैं कि वो उसी खेत की मिट्टी में उसे मिक्स कर देते हैं, क्या इस पर कामकाज या इस पर किसी किस्म की सब्सिडी सरकार को किसानों को देने की जरूरत है? दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा और पंजाब के मुख्यमंत्रियों से अपील की है, ट्वीट करते हुए लिखा कि हाथ जोड़ करके अपील करता हूं कि इस प्रदूषण को रोकने के लिए कुछ बेहतर उपाय कीजिए। और ऐसे में अब फिर से हम रुख चर्चा की तरफ करते हैं, हमारे साथ में सारे खास मेहमान बने हुए हैं, राकेश टिकैत जी हमारे साथ में, नीरू शर्मा जी, डॉक्टर नितिन अरोड़ा जी हैं और दो खास मेहमान और जुड़ चुके हैं, डॉक्टर आलिम सिद्दीकी जी,
चिकित्सक हैं जो बताएंगे कि इसकी वजह से आखिर मुश्किलें क्या पैदा हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता निहार शालिनी दुआ जी हमारे साथ में जुड़ चुकी है, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं आपसे ही निहार शालिनी दुआ जी आपसे ही ब्रेक के बाद इस चर्चा की शुरुआत करना चाहता हूं कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार है, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, पंजाब में कांग्रेस की सरकार है और केंद्र में बीजेपी की सरकार है। सरकारों की तरफ से जो प्रयास हो रहे हैं एक राजनेता होने के नाते क्या आप मानती हैं कि वो सच्चे और सही प्रयास हैं और कामयाबी मिल रही है, क्योंकि ये आज की समस्या तो नहीं है ना, वर्षों से चली आ रही है। देखिए अगर वर्षों से चली आ रही है लेकिन किसी ने इसे सीरियस नहीं लिया। अगर सीरियस लेना होता तो मुझे नहीं लगता कि आज तक ये परेशानी रहती। हर बार नवंबर के मंथ में या दिवाली के मौसम में यही होता है कि बात ब्लेम गेम स्टार्ट हो जाता है कि हरियाणा से ये सब हो रहा है या यूपी हरियाणा साइड से पंजाब से हवाएं आ रही हैं जो दिल्ली में आ रही है और वो लोग ब्लेम करते हैं। लेकिन यहाँ मानती हूँ कि आप आर्टिफिशियल रेन करवा सकते हैं, आप बहुत कुछ करवा सकते हैं। नहीं तो आप भी वही बात कर रही हैं जो यहाँ पर सारे मेहमान जो कर रहे हैं, आप वही बात कर रही हैं। आप एक जिम्मेदार पार्टी की जो पार्टी केंद्र में और हरियाणा के अंदर सत्ता में, क्या केंद्र और हरियाणा की सरकार ने भी कोताही बरती है? जी बिल्कुल, आप देखिए जी ठीक है, हम आपकी आवाज ठीक कराने की कोशिश करते हैं और मैं इस चर्चा को इसी बिंदु से आगे बढ़ाऊं। उससे पहले एक कमेंट आपका डॉक्टर अलीम सिद्दीकी जी, एक डॉक्टर होने के नजरिए से आप ये बताए हैं कि ये जो पॉल्यूशन जो बढ़ता हुआ इंडस्ट्री से निकलने वाला, गाड़ियों से निकलने वाला, धुएं से निकलने वाला और फिर पराली जलाने की वजह से होने वाला, सबसे खतरनाक बीमारी इससे किस वजह से होती है? क्योंकि WHO की 2016 की एक रिपोर्ट, 1 लाख से ज्यादा बच्चे इस स्मॉग की वजह से मौत के मुंह में गए। बिल्कुल, एयर पोल्यूशन कहने की जरूरत नहीं है, पोल्यूशन नाम ही इसलिए है क्योंकि वो एक खराब चीज है। पोल्यूशन होने से बेसिकली जो फेफड़े से जब हमारे अंदर गंदी हवा जा रही है तो उससे सबसे पहले लंग्स डिस्ट्रॉय होते हैं, उसके बाद जो पोल्यूटेंट लंग को पार कर गया और ब्लड स्ट्रीम में गया तो वो हार्ट, किडनी, लिवर, हर जगह के कैंसर्स को प्रमोट करता है, हर जगह की बीमारियों को। हमारा इम्यून सिस्टम है, इम्यून सिस्टम को डाउन कर देता है, तो एक बार इम्यून सिस्टम डाउन हो जाता है तो और सारी बीमारियां भी लग जाती हैं। तो एयर पोल्यूशन का डायरेक्ट इफेक्ट, इनडायरेक्ट इफेक्ट नापना, डायरेक्ट तो आप फिर भी नाप सकते हैं, इनडायरेक्ट नापना बड़ा मुश्किल है कि एयर पोल्यूशन से एक तो ऑर्गन डैमेज हो रहे हैं, जो हमारे शरीर के अंग हैं वो छिन्न भिन्न हो रहे हैं, जिसमें सबसे ज्यादा हार्ट, लिवर, डॉक्टर होने के नाते बताइए, साथ में स्ट्रोक के चांसेस बढ़ जाएंगे। डॉक्टर आलिम सिद्दीकी, एक डॉक्टर होने के नाते कि सरकारें स्वास्थ्य महकमे को अच्छा करती है और नए हॉस्पिटल्स बनाती है, सुविधा देती है, मगर दूसरी तरफ इन चीजों पर अगर अंकुश नहीं लगाती है तो फिर क्या मतलब रह जाता है स्वास्थ्य महकमे के होने का? आपको आवाज आ रही सर? मुझे लग रहा है कि आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। और ऐसे में राकेश टिकैत जी, ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपसे ये पूछा था कि ये जो समस्या है, ठीक है मान लीजिए आप हवाओं का रुख नहीं है दिल्ली की तरफ, लेकिन अगर हवाएं आती हैं जैसा कि कहते हैं लोग और सरकार से लेकर के अलग अलग विद्वान ये कहते हैं कि साहब वो भी एक बड़ी वजह है, क्या उसका कोई विकल्प है कि पराली ना जलाई जाए? उसका ये है कि सरकार से पहले ही बातचीत हुई और हमने भी उस पर काफ़ी रिसर्च करी बैठ के, एक रिपोर्ट भी दी, वो सरकार उसको खेत से उठवा ले उतना खर्चा सरकार को वहन करना पड़ेगा उसका। आजकल CNG भी उससे बढ़ने लगी है, वो एक जर्मनी की कंपनी है, वो उस पर रिसर्च कर रही है और वो ये हो सकता है जो पराली जलाई, पराली जलानी पड़ती है कि गेहूं की फसल की कटाई नहीं, नहीं गेहूं डंठल ऊपर रह जाता वो ऊपर रह जाता नहीं, नहीं उसकी नहीं, अभी जो कंबाइन से जलेगा उसका, हाँ उससे थोड़ा सा जो वेस्ट है, जलाने की जरूरत क्यों पड़ती है अगर उसको ऐसे ही छोड़ दिया? ऐसे छोड़ देगा तो उसमें जो जुताई उसकी होगी तो उसकी कटती नहीं, वो एक किस्म से ना वो हार्ड होती और ना मुलायम होती, जैसे गेहूं है गेहूं का कट जाएगा और टूट जाएगा गेहूं, लेकिन ये उसमें चिपक जाती है उसके औजारों में। तो इसका सोल्यूशन सरकार को ढूंढना चाहिए, इस तरह के केमिकल वो ले आए या इस तरह के वो औजार लेकर आए कि वो 1.5 फुट
गहराई के हुए हो और उसमें मिट्टी में उसको दबा दिया जाए वहां की वहीं, तो इस पर सरकारों को इस पर काम करना चाहिए और किसानों को इस पर सब्सिडी देनी चाहिए। मगर अभी हरियाणा सरकार ने ऐलान किया है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि साहब हम सब्सिडी देंगे ऐसे किसानों को जो डीकम्पोज वाली दवाओं का इस्तेमाल करेंगे। नहीं उसमें देंगे तो धीरे धीरे, क्योंकि इसमें सरकार भी लग रही और इसमें किसान भी लगा हुआ है कि इसका समाधान निकले। एक बड़ी समस्या है जैसे गन्ने वाला था या दूसरे और वे थे फसलों का, उसके वेस्ट नहीं लोग जलाते, उसको उसी में मिला देते हैं, उसके औजार आ गए हैं और सरकार ने उस पर सब्सिडी भी दी है। जैसे गन्ने की पत्ती है उसको उसी में कर देते हैं, वो हमारे पास में भी है, लेकिन जो पुराल है पुराली जो है वो उसका रास्ता भी नहीं मिल रहा। और जब तक फसलों का भी आदान प्रदान नहीं होगा कि फसल चक्र हम नहीं अपनाएंगे, ये भी सरकारों को पहल करनी पड़ेगी कि जैसे पंजाब और हरियाणा में दो ही चीज जो डिकम्पोज के लिए दवाएं सरकार जिस दवाओं की बात कर रही है उसको कैसे इस्तेमाल करेगा किसान? वो उसमें जो पुराल होगी उसको छिड़क देगा और 10-15 दिन में उसको बहुत मुलायम पोली बना देगी और वो फिर उसमें गल जाएगी, वो मिट्टी में मिल सकती है। यानी कि जो कल्टीवेटर है ट्रैक्टर के साथ लगता है उसकी जुताई फिर आसानी से हो जाएगी, वो कटिंग हो जाएगा उसका। तब तक कोई इस समस्या का कोई समाधान नहीं, और कोई समाधान नहीं, या तो ये मिट्टी के अंदर जाएगी या ये खेत से बाहर जाएगी और उसका फिर सरकार उसका क्या करे वो जिम्मेदारी। ये कदम आपको लगता है कि कारगर कदम है? ये है, इससे समस्या का समाधान पूरे तौर पर हो जाएगा। इस पे सरकार भी लगी हुई है और इस पे किसान भी लगे हुए हैं, उसके सामने भी एक बड़ी समस्या है कि कोई रास्ता ही नहीं उसको लग रहा। और सरकार को चाहिए कि फसल चक्र सरकार अख्तियार करवावे, ठीक है, सरकार उसमें सपोर्ट करे और किसान भी फसल अरोड़ा जी, ये जो कदम एक सरकार उठा रही है और जैसा कि राकेश टिकैत जी बता रहे हैं कि एक बेहतर कदम है लेकिन इसमें वक्त लगेगा, क्या सरकार की तरफ से इसे सोचने समझने ये रास्ता निकालने में बहुत ज्यादा देरी हुई है और अभी भी देरी हो रही है? इसको और पहले आ जाना चाहिए था और इसको भी जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए सरकार ने भी पूरे तौर पर कोई प्लान चॉकआउट नहीं किया है, ऑप्शन दिया कि अगर साहब आप इसे इस्तेमाल करोगे हम आपको सब्सिडी देंगे। सही कह रहे हैं आप, देखिए जो ये सर ने बोला भी कि फसलों की प्रॉब्लम है, जब कटती है तो वो पूरी तरह नहीं कटती और ऊपर रह जाती है, उसको जलाना पड़ता है। फसलें आज से नहीं कटनी शुरू हुई हैं, बहुत पहले से हुई हैं, बट ये पराली का जो वर्ड है मेरे ख्याल से अभी जो डिक्शनरी में आया ये पिछले 5-6 साल से आपने ज़्यादा सुना होगा जी। उसका रीज़न ये है कि हर एक टेक्नोलॉजी का अपना एक पॉजिटिव होता है और नेगेटिव होता है। पॉजिटिव ये है कि जब ये मॉडर्नाइज मशीन हुए, आपने ये दो राज्य इसलिए बाबर नाम ले रहे हो आप, बाकी राज्यों में फसलें कटती हैं पर इन दो राज्यों का नाम इसलिए ले रहे हो क्योंकि यहाँ पे मॉडर्नाइजेशन ऑफ फार्मिंग ज़्यादा हुआ है और मशीन्स ज़्यादा आई हैं। तो बट ये हुआ ये कि जब मशीन्स आई तो मशीन ने वो ऊपर से काटना शुरू किया, नीचे की वो पोर्शन छोड़ देते हैं जिसको हम पराली बोलते हैं, बाद में जलाना पड़ता है। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि अब जो नए और ज़्यादा मॉडर्नाइज होकर जो मशीन्स आई हैं वो ऐसी मशीन्स भी आई हैं जो पराली को भी काट सकती हैं, उनको डिस्ट्रॉय कर सकती हैं या उनको खाद उसको ज़मीन पे मिला के खाद में कन्वर्ट कर सकती हैं जैसे कि सर ने बताया डिकम्पोज करके। बट उसके लिए अगेन फिर एक इन्वेस्टमेंट चाहिए किसानों को, जिसकी बात हम बार बार कर रहे हैं कि सरकार को उसको थोड़ा सब्सिडी देनी चाहिए या उनको हेल्प करनी चाहिए। ये सब्सिडी और हेल्प उन्हीं चीज़ों के लिए है कि अब वो मशीन्स या तो नहीं लेके आएँ जो उस पराली का सोल्यूशन दे पाए या फिर वो कुछ केमिकल सोल्यूशंस के थ्रू उसको खाद में कन्वर्ट करें। ये एक पॉइंट इस समाधान का है। मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ नीरू शर्मा जी, मगर मैं राकेश टिकैत जी, सरकार इसमें उन डंठल को उन पराली को नष्ट करने के लिए डिकम्पोज का एक रास्ता दवाइयों का, मगर क्या मॉडर्न कुछ तकनीक लाने की जरूरत है जिससे ट्रैक्टर के जरिए उसकी जुताई हो सके बेहतर तरीके से? वही है बेहतर। और वो अगर एक एक गांव में प्रधान जहां जहां पर है प्रधान के स्तर पर एक एक गांव में एक ऐसी वो तकनीक वहां आ जाए उस एक मशीन से पूरे गांव का 2-3 दिन के अंदर समस्या का समाधान हो जाएगा, क्या इस पर कोई विचार हो रहा है आप लोग? देखो अभी पिछले साल भी बात हुई, जैसे ही पोल्यूशन का ये मामला आता है अक्टूबर के आसपास लास्ट में और दीपावली पर जैसे ही पोल्यूशन तो हमारा बढ़ता है तो उस टाइम पर तो ध्यान आता है, उसके बाद में कोई सरकारें ज्यादा काम नहीं करती। ये भी है, इस पर बहस होनी चाहिए किसान के खेत पे और वहां पे जो इंडस्ट्रीज हैं को कैसा कटर उसमें काम करेगा उस पर काम ज्यादा होना चाहिए, वो नहीं हो रहा। पहली चीज तो यही है देश में एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री नहीं है, ठीक है, कृषि मंत्रालय नहीं है देश में, 18 विभाग देखते हैं एग्रीकल्चर को, तो जिस देश में 18 विभाग एग्रीकल्चर को देखेंगे तो उस देश का तो यही हाल रहेगा। नेहा शालिनी द्वा जी, जो जिस समस्याओं का जिक्र कर रहे हैं राकेश टिकैत जी, सरकार उस पर कब ध्यान देगी और कैसे ध्यान देगी? सॉरी, हेलो,
नहीं नहीं राकेश टिकैत जी कह रहे हैं कि सरकार की उदासीनता है, ये पराली अभी जलाने का सिलसिला नहीं हुआ, कटाई फसलों की अभी 2-4 साल से नहीं हो रही है, हमेशा से होती चली आई है, मगर सरकारें उदासीनता बरत रही हैं, उसमें बीजेपी की सरकार हो दूसरी पार्टियों की सरकार हो, सरकारों को ऐसी मॉडर्न तकनीक का सहारा लेना चाहिए किसानों को फैसिलिटी देने के लिए, जिससे डिकम्पोज हो उस तकनीक के माध्यम से या फिर जुताई हो सके, क्यों नहीं करती है सरकारें? जम्मू कश्मीर और लद्दाख जितने भी ठंडे इलाके हैं वहां पर जब वो वुडन वर्क किया जाता है, घर बनाया जाता है, तो ये जो तकनीक है, ये नई तकनीक निकाली है, बहुत जल्दी इसका वो भी स्टार्ट हो जाएगा कि सरकार उसके पैसे भी देगी और यहाँ से इंतजाम भी करेगी, इनको वहां लेके जाया जाएगा जो भी पैसे जाएगी, ये पैसे फॉरेन कंट्री में जब घर को गर्म रखा होता है कि नेचुरल तरीके से घर गर्म रहे तो वो ये तकनीक इस्तेमाल की जाती है, ये जो पैसे होते हैं धान गेहूं का ये घर बनाने का है, ऐसी ठंडी जगहों में सरकार इसके ऊपर भी नया कदम उठा रही है जिसकी पहले सरकार ने कर चुकी है, इसको ठीक कराने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है डॉक्टर आलिम सिद्दीकी, अब एक ऐसी स्थिति जहां पर समस्याओं को लेकर के समाधान के तरीके ढूंढने के लिए हर साल हमेशा टीवी स्टूडियोज में बैठ करके हम लोग बात करते हैं, सरकारों की तरफ से जवाब आता है, मगर वो 1-2 महीने के अंदर फिर बात हवा हवाई हो जाती है, मगर आम जनता, आम लोग, बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, अस्थमा दमा के रोगी या आम इंसान, कैसे उनको अपनी जीवन शैली रखनी चाहिए, किस तरीके से प्रिकॉशन स्टेप लेना चाहिए, क्योंकि सरकारों का उदासीनता तो है और बरत रही है और आगे भी रहेगा। डॉक्टर आलिम जी आपको आवाज आ रही है? जी हाँ, आप मेरी आवाज आ रही है? जी जी सर, मैं कह रहा हूं कि सरकारों की उदासीनता तो थी, है और आगे भी ऐसे ही रहेगी कमोबेश, तो सवाल यह कि इंसान खुद को कैसे बचाए रखे, प्रिकॉशनरी स्टेप्स। पहले तो बिल्कुल पहली बात तो ये सरकार से सवाल पूछे, सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप सरकार से सवाल पूछिए कि जब मैंने आपको वोट दिया तो आपने मुझे स्वास्थ्य क्यों नहीं दिया, बीमारी क्यों दी, जनता सवाल ये करे। दूसरी बात, इंडिविजुअल लेवल पे आप ये कर सकते हैं कि अपने आसपास कम से कम पेड़ पौधे लगाएं, जितनी ग्रीनरी डेवलप कर सकते हैं, ग्रीन बेल्ट कर सकते हैं वो करें, अपना जनरल स्वास्थ्य ठीक रखें, जैसे कि आप सही समय पे सोएं, सही समय पर उठें, एक बैलेंस डाइट लें, तो इन चीजों से अगर आपका जनरल स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो आप इस एयर पॉल्यूशन के इफेक्ट को कुछ हद तक कंट्रोल कर पाएंगे, लेकिन इंडिविजुअल लेवल पे एक लिमिटेड दूरी तक जा सकते हैं, अगर इसमें सामूहिक काम नहीं हो, ध्यान नहीं देगी, पॉल्यूशन आता जा रहा है तो तब तक शरीर लड़ेगा, वो कभी ना कभी जवाब दे देता है। ठीक है, तो एक तरफ मरीज मैन्युफैक्चर हो और दूसरी तरफ हॉस्पिटल और डॉक्टर बनाए जाए तो ये कोई अच्छा तरीका नहीं है। स्वास्थ्य के लिए प्रिवेंशन मेजर पोर्शन होना चाहिए और ट्रीटमेंट यानी कि हॉस्पिटल और डॉक्टर एक छोटा पोर्शन है स्वास्थ्य का, मरीज बनाने बंद करिए तो अपने आप तो स्वास्थ्य सिस्टम में उस पर लोड कम। नेहा शालिनी जी, अब सवाल ये कि सवाल तो सिर्फ सरकार से ही पूछे जाएंगे, एक अच्छी और बेहतर स्वास्थ्य लोगों को कब मिलेगी, कैसे मिलेगी, और सवाल इस बात का भी है कि जब इसके स्टेप्स उठाए जाते हैं, जैसे पिछले दिनों के दिल्ली की सरकार ने कहा कि ऑड इवन फॉर्मूला हम ला रहे हैं, इससे पॉल्यूशन में कुछ कमी आएगी, तो सबसे पहले बीजेपी, कांग्रेस सभी पार्टियों ने विरोध जताया, तो क्या ये विरोध महज विरोध करने के लिए होता है या फिर उसको देख लिया जाए कि साहब इसके फायदे हैं या कि नहीं? देखिए, ऑड इवन के नुकसान इसलिए ऑब्जेक्शन रेज किया, लेकिन और कितने सारे तरीके हैं जिसमें सरकार, केंद्र सरकार, आप उसे विकल्प मानते हैं या नहीं मानते हैं, एक विकल्प हो सकता है या नहीं हो सकता या है, भले ही बिल्कुल ये भी हो सकता है, तो फिर पार्टियों की तरफ से जो विरोध किया गया वो गलत था, वो इसलिए तो वही मैं आपको बता रही हूं कि इससे बहुत छोटा सा माइनर सा फर्क पड़ना था, लेकिन और कई प्रिकॉशंस हैं जो केंद्र सरकार ले रही है, जैसे मैंने आपको बताया कि
बैंकों को हटवा के किसानों को सब्सिडी भी दी जा रही है, क्योंकि जो धान है उसको ले जाकर जितने भी ठंडे इलाके हैं वहां पर घर बनाने की टेक्निक में इस्तेमाल किया जाएगा। ये अब से शुरू हुआ है क्योंकि ये टेक्निक अभी लिया जा रही है भाजपा सरकार के द्वारा। तो मुझे बहुत जल्दी यकीन है कि अगले साल तक आपको ये गुड न्यूज मिलेगी कि दिल्ली में पॉल्यूशन जो है वो काफी कम है। ऐसा है आप पशु के नीचे उसका कोई घर नहीं बनता, वो तो थोड़ा सा उसको नरम और वो मिल जाएगी पानी अगर वो मिल गया तो गल जाती है तुरंत, उसको गलने में एक डेढ़ महीना लग जाता है, तो वो बारिश में घर नहीं उससे बन सकता। लेकिन ये हो सकता है कि वो खाद के रूप में कैसे काम आ जाए, हम उसको निकाल के बाहर डाल दें, रीयूज कैसे किया जाए वो होना चाहिए, उसको अगर कटिंग करके मिला दें। मगर नीरू शर्मा जी कश्मीर में कह रही हैं जहां ठंडा इलाका है उस टाइम पे कोयले से चलने वाले हजारों औद्योगिक जो प्लांट हैं वो तो कम से कम एक वजह एक समस्या तो क्रिएट करते ही करते हैं। नीरू शर्मा जी देखिए है कि उसको रीयूज कैसे उसको दूसरे जगह में इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी एक इनका ही हो सकता है कि दूसरी जगह भेज दे तो पशु के काम आ जाता है। सर मैं ये मैडम की बात से इस बात से इत्तेफाक रखता हूँ कि जो इन्होंने एक पॉइंट बोला कि इससे घर बनाया जाएगा, मेरे ख्याल से शायद पूरी स्टडी नहीं करी है मैडम ने, ये पार्शली सही बोल रहे हैं कि ये पराली जो है ये इसकी तासीर गर्म होती है। अब जो जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पे जब जो घर बनते हैं उनको आर्टिफिशियली गर्म रखने के लिए बहुत सारी टेक्निक यूज़ की जाती है। अभी एक स्टडी आई है जिसमें कि साइंटिस्ट ने ये प्रूव किए हैं कि ये स्टडी लेके आए हैं कि ये पराली अगर उन घरों में बनाने के लिए यूज़ की जाए तो नेचुरली उसको गर्म रखेंगे। बट मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता कि ये स्टडी बीजेपी ने करी है जैसा इन्होंने बोला कि ये बीजेपी की सरकार को स्टडी लेके आई है। और दूसरी बात इसका ड्रॉबैक ये है सबसे बड़ा जो ये इसका सलूशन लेके आ रही है मैडम ये वाला कि पंजाब हरियाणा से वो सारी चीजें लेके उनको बड़े पहाड़ी इलाकों में ले जाने की एक अपनी एक कॉस्ट होगी। अभी तो आप उसको वहां से कटवा ही नहीं पा रहे हैं, अभी तो आप वहां से उठवा ही नहीं पा रहे हैं। बेस्ट ऑप्शन क्या ये नहीं होगा कुछ ऐसी सुविधा सरकार लाए जिसकी वजह से वो वही डिकम्पोज हो जाए या मिट्टी में दब जाए जो कि खाद की शक्ल में भी काम करेगा। आपको लोकल सोल्यूशन देना पड़ेगा, ये एक सोल्यूशन है बट एक बहुत एक्सपेंसिव सोल्यूशन है ये। ठीक है नीरू शर्मा जी, अब ऐसे में ये भी बातें सामने आती कि कोयले की वजह से या दूसरी वजह से जो प्लांट्स हैं उसकी वजह से भी काफी धुआं निकलता है, जो गाइडलाइंस को जो पैमाना है उस पर वो खड़े नहीं उतर पाते। सर इंडस्ट्री में बहुत सारी गाइडलाइंस हैं, क्या सरकार उन गाइडलाइंस को पे खरी उतर रही है, अपनी गाइडलाइंस पे सरकार खरी उतर रही है? नहीं, सरकार की सरकार की उदासीनता तो है, सरकार की उदासीनता तो है, सरकार के प्रतिनिधित्व करने वाले ये कहते हैं कि साहब जो है ये देखिए गाड़ियों की वजह से होता है, इंडस्ट्री की वजह से होता है, पराली की वजह से होता है, तो अब सारी जिम्मेदारी सरकार के ऊपर तो है, मगर आपको भी तो अपनी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी ना। हम इंडस्ट्रियलिस्ट जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं नोएडा से रिलेटेड हैं या एनसीआर से, यहाँ तक मुझे अपने नोएडा से मैं रिलेटेड हूँ क्योंकि नोएडा में मैं भी एक एंटरप्रेन्योर हूँ, मुझे इतना पता है कि आज के तारीख में जो भी नोएडा के एंटरप्रेन्योर हो वो सारी गाइडलाइंस को अडॉप्ट करने के लिए बिल्कुल रेडी बैठे हैं। उनको ये चाहिए कि आप हमें बताइए, हमें इंडस्ट्री चलानी है, हमें केंद्र सरकार या राज्य सरकार क्या हेल्प करे, हमें पोल्यूशन भी हम ना करें और हमें वो हेल्प करे, या हमें सीएनजी पीएनजी पे जेनसेट चलाने हैं, कैसे हमें सोलर प्लांट लगाना, क्या वो हमें सब्सिडी देंगे, दोनों सरकार मिलके क्या हमें सब्सिडी देंगे आगे हमारे यूनिट्स को चलाने के लिए, तो हम पूरी गाइडलाइंस को अडॉप्ट करने को तैयार है पूरी इंडस्ट्री, लेकिन हमें आप लोगों की हेल्प के बिना, केंद्र सरकार की हेल्प के बिना, राज्य सरकार की हेल्प के बिना हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आज की तारीख में इंडस्ट्री बिल्कुल डाउन है। कोई आश्वासन देना चाह रही है न्यायशालिनी द्वारा जी, आश्वासन कोई देना चाह रही है? ठीक है डॉक्टर नितिन अरोड़ा जी, ये समस्या सिर्फ भारत में नहीं है, जैसा कि आपने लंदन का जिक्र किया कि महज 40 तक पहुंचे था एयर क्वालिटी इंडेक्स का वो स्तर जो नापा गया, वहां पर आपातकालीन बैठक बुला ली गई, विदेशों में इस समस्या से निपटने के लिए क्या कुछ किया जाता है?
देखिए इसका और क्या उसको भारत अगर उस स्तर पर उस तौर तरीके को अपनाए तो क्या वो चीजें पॉसिबल नहीं है, और अगर ऐसा है पॉसिबल है तो फिर अपनाती क्यों नहीं? देखिए इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हमारे पड़ोस में चाइना के अंदर। अभी किसी पैनलिस्ट ने बोला कि पॉपुलेशन भी एक रीज़न है, मैं मानता हूँ पॉपुलेशन एक रीज़न है पोल्यूशन बढ़ने का, बट वो एक तो एकमात्र रीज़न नहीं है, एंड दूसरा कि वो आपको प्रिकॉशंस लेने से नहीं रोकती है पोल्यूशन के। चाइना में 2012 से 2017 के बीच में पोल्यूशन का स्तर 30% रिड्यूस हुआ, ये एक नोन स्टडी है और इस पर बहुत सारी एजेंसीज भी काम कर रही हैं। उन्होंने कैसे पॉसिबल किया इतनी बड़ी पॉपुलेशन के साथ 30% रिडक्शन इन पॉल्यूशन इज़ ए ह्यूज अमाउंट, ये बड़ा अमाउंट है और इंडिया जैसे देश में तो बहुत ही बड़ा ये कारगर साबित हो सकता है। उसके लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा इन्वेंशन करी है, बहुत ज़्यादा उन्होंने लोगों को इकट्ठा किया, ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक इंटेंशन की बात होती है। अगर आपके अंदर एक इंटेंशन है, आपके अंदर एक मुद्दा उठाने की और मुद्दे को पकड़ के रखने की, जैसे कि हमारी सरकार कुछ क्या कुछ विशेष तरीका ढूंढा चाइना ने उसके जो हमारे भारत में वो पॉसिबल नहीं है, उसके लिए सारे तरीके भारत में भी मौजूद हैं। उसके लिए उन्होंने जो इंस्ट्रूमेंट्स लगाए जो कि आपको एक फोरकास्टिंग करते हैं पोल्यूशन की, वो हमारे पास मौजूद है। उसके लिए जो पोल्यूशन रोकने के लिए जो नॉर्म्स चाहिए वो हमारे पास मौजूद है। दो तीन चीजें जो मौजूद नहीं है जिसकी वजह से ये एनसेप प्लान जो मैंने शुरू में भी आपको बताया, मगर ये कहा जाता है कि दिवाली के मौके पर उसके बाद में ये चीजें ज्यादा होती है। इस बार गाइडलाइंस भी थी कि 2 घंटे से ज्यादा पटाखा नहीं फोड़ेंगे। अब ऐसी स्थिति में आप जाहिर तौर पर सब कुछ दिवाली के त्यौहार के ऊपर मर देना या लोगों के तौर तरीके पर मर देना ये भी ठीक नहीं होगा। जिन बातों का आप जिक्र करें क्या वो जमीनी स्तर पर आपको लगता है कि सरकारें लाएंगी या भूल जाएंगी? ये देखिए अगर आप पटाखों के लिए बात करेंगे या किसी एक पर्टिकुलर आप किसी एक मुद्दे एक ही पॉइंट को पकड़ के चलेंगे तो ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। जैसे कि इंडस्ट्री वाले फार्मर्स को बोलते रहेंगे, सरकारें जनता को बोलती रहेंगी कि आप कार पूल कीजिए, बट वो पूरे अपने काफिले के साथ चलेंगी, और जो जनता है वो सरकारों को बोलती रहेंगी। यानी कि सोल्यूशन पर बात करनी होगी, सोल्यूशन पर बात करनी पड़ेगी, आपको का खाका तैयार करके जमीनी स्तर पर लाना होगा, वो करना पड़ेगा। बट उसमें उसमें एक छोटा सा करेक्शन करना पड़ेगा, मैं आपको माफ कीजिए टोक रहा हूं, आपको जो सोल्यूशन देने पड़ेंगे वो टाइम बाउंडेड और स्पेसिफिक टारगेट्स के साथ सोल्यूशन देने पड़ेंगे, और यही दो रीजन है जिसकी वजह से चाइना ने ये पॉसिबल किया और हमारी एनसेप पॉलिसी फ्लॉप हो गई। ठीक है, अब बच्चों के आखिर में हम पहुंच चुके हैं, एक कमेंट लेकर मैं इस चर्चा को विराम लगाऊंगा। डॉक्टर आलिम सिद्दीकी जी, आप क्या कहना चाहेंगे आप स्वास्थ्य महकमे से, सरकार से और लोगों से, क्योंकि वक्त बिल्कुल खत्म हो रहा है, एक एक लाइन में सर। बिल्कुल, कॉस्ट ऑफ लाइफ, एक जिंदगी की वैल्यू बढ़ा दीजिए तो जैसे मीटिंग लंदन में हुई थी यहाँ भी होने लगेगी। जनता को गाय भैंस की तरह नहीं, जनता को एक सामान्य ह्यूमन की तरह ट्रीट करिए। ठीक है राकेश टिकैत जी, अब आगे आप लोगों की बैठक फिर से सरकार और प्रशासनिक स्तर पर होने वाली है, क्या कुछ उसका नतीजा निकल सकता है? नतीजा इंडस्ट्रीज का वेस्ट मटेरियल है, वो हमने दिल्ली को फ्री कर वो एनसीआर के दूसरे उसमें दे रहे हैं हम डिस्ट्रिक्ट में, तो वहाँ पे वो कंज्यूम हो रहा है। तो वो सरकारों को अधिकारियों को सचेत रहना पड़ेगा और अपनी ड्यूटी उनको पूर्ण रूप से निभानी पड़ेगी, वो इसमें पूर्ण रूप से दोषी है। ठीक है, और नितिन अरोड़ा जी सर, देखिए एक मात्र सोल्यूशन जो मैं पहले भी डिबेट्स में बोल चुका हूँ, अगर आपको इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढना है तो आपको इलेक्शंस में ढूंढना पड़ेगा, आपको सरकारों को गिराना पड़ेगा या वोट उस मुद्दे पे देना पड़ेगा जो आपकी हेल्थ से रिलेटेड है। आपको बड़े स्तर पर जागरूक होने की जरूरत है, करना पड़ेगा आपको ये पोल्यूशन के ऊपर सवाल करने की जरूरत, बिल्कुल सवाल करने की जरूरत है, जो कि सवाल आजकल जनता भी नहीं कर रही है और पॉलिटिशियन तो जवाब ही नहीं देते हैं। नीरू शर्मा जी, जी सर, मैं इन सभी के जवाब से सहमत हूँ, हमें मिलकर ही सोल्यूशन निकालना है, और जब हम सब मिल जाएंगे तो सरकार अपने आप जागेगी, जब सरकार जागेगी तभी हम इस प्रदूषण से मुक्ति पाएंगे। ठीक है, आखिर में मैं आपकी तरफ नेहा शालिनी दुआ जी, आप क्या आश्वासन देंगी जनता को, क्योंकि मौजूदा वक्त में केंद्र सरकार भी अगर बड़े स्टेप उठाए और राज्य सरकारों को अगर बाउंड करे कि ये चीजें अपनाना ही होगा तो शायद एक बड़ा कदम होगा। जी बिल्कुल, देखिए सारे प्लेन कर देते हैं लास्ट में आगे की सरकार की जिम्मेदारी है केंद्र सरकार की, तो मैं यहाँ ये कहूंगी कि अगर चाइना में 30% पॉल्यूशन तो उनकी सरकार ने कड़े कानून अपनाए, उन्होंने इंडस्ट्रियल के ऊपर भारी भरकम पेनल्टी लगाई।
सवाल ये है कि ये होना चाहिए, मगर ये होना चाहिए आखिर फिट किस पर बैठता है, जिम्मेदारी किसकी है? और ऐसे में सबसे ज्यादा जिम्मेदारी हमारी सरकारों की है कि उनको इस पर संजीदगी से एक बार फिर से गौर करके नए सिरे से मैकेनिज्म तैयार करने की जरूरत है, क्योंकि सांस लेना, बेहतर ऑक्सीजन और हवा पाना हर शख्स का फंडामेंटल राइट है, जो सरकारों की उदासीनता और निकम्मेपन और नाकारापन की वजह से लोग मुश्किलों में इस वक्त घिरे हुए हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया, राकेश टिकैत जी, आपका, नेहा शालिनी दुआ जी, नीरू शर्मा जी, डॉक्टर नितिन अरोड़ा जी और डॉक्टर अलीम सिद्दीकी जी, आप लोगों ने वक्त निकाल करके इस महत्वपूर्ण विषय पर न सिर्फ चर्चा की बल्कि सुझाव भी दिए। आप देख रहे थे R9 TV, खबरों के लिए आप बने रहिए। पंजाब हरियाणा से हवाएं चल के आ रही हैं, जहां पर कि आपके पराली जलने से धुआं आ रहा है, पोल्यूशन हो रहा है क्योंकि बहुत लोगों ने ग्रीन रेवोल्यूशन पटाखे नहीं जलाए। वेदर चेंज हो रहा है, उसके साथ साथ पोल्यूशन भी बढ़ रहा है। जो पोल्यूशन होता है उससे वो बहुत क्लॉग हो जाते हैं, लोगों को एलर्जी हो जाती है।